देखिए प्रॉपर्टी 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एंड माइनस 1 टू 1 गिवन है x tan इनवर्स x एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। डेफिनेटली जैसे ही हमने उसको देखा माइनस a टू a की लिमिट है इसमें, सो यू हैव यू कैन यूज द प्रॉपर्टी 5। और अभी हम इसी पे बेस क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें पता ही है कि हम कर रहे हैं, बट एनी वेयर इफ इट इज देयर फर्स्ट यू हैव टू चेक whether the property 5 can be used or not, ठीक है? तो इसमें ये लेंगे, let's say it is equals to i, अब function आप check कर लीजिए, function क्या आ रहा है, function जो भी है, x tan inverse of x है, उसको आप f minus x put करते हैं, minus x tan inverse of minus x, ये भी odd है, ये भी odd function है, so ultimately it will be even function. देखिए tan इनवर्स ऑफ माइनस x माइनस tan इनवर्स x होता है, ये माइनस यहाँ पे आएगा, सो अगेन इट विल मेक द tan इनवर्स ऑफ x, सो फाइनली इट इज एन इवन फंक्शन। व्हेन यू चेक्ड दैट इट इज द इवन फंक्शन तो इसको आप डबल कर देंगे, सो इट वैल्यू इज डबल, टू टाइम्स ऑफ 0 टू 1 ले लेंगे x tan इनवर्स ऑफ x dx। अब रेस्ट ये है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसमें यह है कि दो फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे आप और सेकंड एक्स को लेंगे, ठीक है? सो इट इज टू टाइम्स ऑफ 0 टू 1 टेन इनवर्स एक्स इनटू एक्स, डिसाइड दिस वन एज अ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन और उसको आप इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ दिस इज टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x square by 2 and again the integration is x square by 2 tan inverse x derivative is 1 upon 1 plus x square into dx aur pure portion pe limit laga denge 0 to 1 right andar humne usko indefinitely integrate kar diya aur finally us pe 0 to 1 limit laga diye theek hai and this is 2 times of now just फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस वन, अभी ये एक और इंटीग्रल साइन के अंडर आ रहा है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू, ठीक है? इसमें आप एक्स स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है उसको वर्कआउट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन कर देंगे, सो वी कैन राइट द एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय द वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिमिट अभी हमने प्लेस की नहीं है, जीरो टू वन एज इट इज रखते चले जाएंगे, ठीक है? सो इट इज टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स एक्स माइनस, देखिए इसको जब सेपरेट करेंगे इससे तो ये देगा वन और उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स, तो ये माइनस ऑफ एक्स बनाएगा माइनस वन बाय टू ऑफ एक्स, सो इट कैन बी रिटन एज माइनस वन बाय टू एक्स माइनस माइनस प्लस हियर and it will make the 1 by 2 integration of dx upon 1 plus x square, so uska ho jayega tan inverse x, so or minus 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 dega positive, so 1 by 2 tan inverse of x or limit abhi placement ab hamara pending chal raha hai baki hai, to usko aap finally rakh dijiye values ko, 1 place karenge pure portion mein aur 0 place karenge, dekhiye 0 mein to sab 0 ho jayega, ye 0 ho jayega, ye 0 ho jayega, ये 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली अपर लिमिट प्लेसमेंट ही इसमें वर्क करेगा, ठीक है? सो इट इज 1 बाई 2 टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 इज पाई बाय 4 माइनस 1 बाई 2 एक्स इज 1 प्लस 1 बाई 2 टेन इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, ये सिंप्लीफाई हो गया, 0 पे सारी वैल्यू 0 आएगी तो उसको हमने छोड़ दिया, राइट? तो 2 टाइम्स ऑफ दिस इज पाई बाय 8, पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 इज पाई बाय 4 माइनस वन बाई टू, राइट? एंड यू कैन टेक आउट द टू, जैसे कि हम आंसर देख रहे हैं, आंसर के हिसाब से अगर देखा जाए तो टू एक और कॉमन निकाल लें नीचे, वन बाई सॉरी फोर निकाल लेंगे तो बेटर रहेगा, फोर निकालेंगे बेटर रहेगा, सो टू बाई फोर इफ यू टेक आउट द फोर कॉमन, सो इट इज पाई माइनस फोर, फोर दिया तो एक टू पर देना पड़ेगा, इट कैन बी रिटन एज वन अपॉन टू पाई माइनस टू, राइट? वन अपॉन टू पाई माइनस टू, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से हम वर्कआउट करते हैं, एक बार उसने प्रॉपर्टी यूज करवा दी, प्रॉपर्टी 5 यूज किया हमने, देखा इवन फंक्शन है,
और उसके बाद में उसको इंटीग्रेट कर दिया। इस तरह की पोजीशन देखने पे आपको प्रोडक्ट लॉ समझ में आता है कि उसको यूज करना है, एंड देन उसको वर्कआउट कर दिया, लास्ट में उसका वैल्यू प्लेस कर दिया लिमिट्स की। ठीक है, सो वी गॉट द बी ऑप्शन राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन ये आईटी स्क्रीनिंग का सवाल है, 2002 में आया हुआ है। हालांकि पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी करना होगा। दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एल एन ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x। दिस इज गिवन इन लॉग एंड द होल वैल्यू इज गिवन एज द dx, वेयर वेयर दिस बॉक्स डिनोट द GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो उसकी वैल्यू निकालनी थी आपको। ऑप्शन थे 4, दिस इज -1/2, बी ऑप्शन गिवन है द 1/2, सी ऑप्शन 1, एंड डी ऑप्शन गिवन है द 2 ln 2। ओके, 2 ln 1/2 दिस इज गिवन एज द डी ऑप्शन राइट। देखिए, इसको पहले हम पार्टीशन कर लेंगे, दो क्वेश्चंस डिफरेंट क्वेश्चंस में पार्टीशन इसका कर देंगे। -a2a दिखाई दे रहा है, तो प्रॉपर्टी 5 का तो यूज है ही है। और जैसे ही आपने इसको -1/2 लिखा, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एंड -1/2 दिस इज ln ऑफ 1 + x, 1 - x इंटू डी एक्स। नाउ सी दिस पोर्शन, इसके बारे में हम जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो, मॉड हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो या कुछ भी हो, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन। जब वो डिफाइंड हो जाएगा, देन यू कैन डू समथिंग, देन यू कैन टेक द लिमिट, देन यू कैन डिफरेंशिएट, देन यू कैन इंटीग्रेट, देन यू व्हाट एवर द एप्लीकेशन यू वॉन्ट टू डू, पहले उस पर आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। किन फंक्शंस को? ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉडुलस है, फ्रैक्शनल पार्ट है, या इस तरह के जो फंक्शंस है, पहले इसमें उसको आप डिफाइन करते हैं, देन यू कैन वर्कआउट ऑन टू दैट। आप उस पे लिमिट का काम भी करना है, इंटीग्रेशन का या डिफरेंशिएशन का, ये कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट डिफाइनिंग द फंक्शन। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम इसमें एक काम करेंगे, उसको हमें उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को तो डिफाइन करना ही पड़ेगा, और उसने लिमिट लगा रखी है -1/2। -1/2 में एक चीज देखें, बीच में 0 भी आता है। ठीक है, तो अगर जब वैल्यू हम लेंगे बिटवीन 0 - 1/2 to 0, इसको आप पार्टीशन कर देंगे, इसको आप ले लेंगे -1/2 to 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू देखें, -1/2 से 0 के बीच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बनेगी -1, दैट विल बिकम द -1। कोई भी वैल्यू यहाँ प्लेस होगी -1/2 से 0 के बीच, तो वो उसको ले जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बनाएगा -1, तो वो लिख दिया जाए -1 -(dx) राइट। और अब हम बात करें 0 से 1/2 के बीच में, तो 0 to 1/2 लिमिट है हमारी, और 0 से 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 × dx राइट। इस फंक्शन की बात करें, इस फंक्शन को हम चेक करें कि ये इवन है या ऑड फंक्शन है। सो अगर इसको हम ln(x) लिखते हैं फंक्शन को, fx ln ऑफ 1 + x, 1 - x, f - x, ln ऑफ 1 - x और माइनस प्लस हो जाएगा। और ये तो बहुत साफ मालूम पड़ रहा है कि इसमें इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन लॉग में बाहर आता है, -ln(1 + x) 1 - x राइट। सो इट मेक्स द माइनस ऑफ fx। सो व्हाट इज देयर, f - x बन गया माइनस ऑफ fx, f - x बिकम्स द माइनस ऑफ fx। सो वी हैव डिसाइडेड दैट ये, सॉरी, ये फंक्शन जो है ऑड फंक्शन है, इट्स अ ऑड फंक्शन, सो इट्स वैल्यू 0। आप इसको पूरा खत्म कर देंगे, दिस पोर्शन 0 एंड अगेन दिस पोर्शन इज ऑल्सो 0,
ये भी कट कर दीजिए, ये भी हो गया कट, जीरो हो गया, खाली ये पोर्शन बचा है जिसकी कि हमें लिमिट लेनी है, ठीक है ना। सो माइनस हो गया, माइनस आउटसाइड एंड माइनस हाफ टू जीरो एंड सिंपली डी एक्स, माइनस लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एक्स होगा, एक्स की लिमिट प्लेस करेंगे माइनस हाफ टू जीरो, माइनस बाहर ही रहेगा, एक्स की जगह जीरो प्लेस करेंगे माइनस हाफ, एंड अब एक्स की जगह माइनस हाफ रखेंगे, ये पोर्शन हुआ। तो देखिए बहुत ही क्लियरली आपको देखना है, माइनस 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 प्लस एंड देन अगेन माइनस, सो इट इज द माइनस हाफ, माइनस हाफ इज द आंसर। इन जगहों पे जहाँ पे ऐसी कैलकुलेशन होती है इस टाइप से, ये बहुत ही इजी नंबर्स होते हैं, और इस जगह पे आप थोड़ा सा स्लो डाउन होके ध्यान से काम करें, क्योंकि इस जगह पे गलती होने का, क्योंकि सपोज करो अगर कहीं आपने हाफ आंसर बनाया होता तो ये स्क्रीनिंग 2002 का क्वेश्चन है, तो वो बिना मतलब का ऐसा नहीं देते हैं कि उनको पता होता है कि आप जो मिस्टेक कर सकते हैं वो पर्टिकुलर उस मिस्टेक की वजह से क्या आंसर बनेगा, वो भी ऑप्शन में दिया रहता है। तो मतलब यहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन, स्लाइटली स्लो चलते हुए इस आंसर पे यहाँ पे पहुंचे आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये सवाल आईआईटी 2004 का है, दिस इज इन आईआईटी 2004, और इसको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट दिस, दिस इज फ्रॉम माइनस पाई बाय थ्री टू टू पाई बाय थ्री एंड पाई प्लस फोर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय टू माइनस कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स, ये आपको पूरा वर्कआउट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक चीज कि ये पर्टिकुलर पोर्शन हम सेपरेट कर देंगे, यहाँ पे ये हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी फाइव का यूज करना है, वो हमें पता है प्रॉपर्टी फाइव हम यूज करेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले एक चीज देखिए कि इस फंक्शन में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इवन पार्ट है इसका, और उसके साथ अगर ये सेपरेट होता है तो ये इसको ऑड फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू सेपरेट दिस, और उसमें माइनस पाई बाय थ्री टू पाई बाय थ्री लिखेंगे, पाई अपॉन टू माइनस कॉस ऑफ दिस इज ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस पाई बाय थ्री लिखा जाएगा, राइट, इंटू डी एक्स, और फोर एक्स क्यूब के साथ में पूरा पोर्शन सेपरेट करेंगे, सो दैट इज द माइनस पाई बाय थ्री टू पाई बाय थ्री, राइट, फोर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय टू माइनस कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस पाई बाय थ्री होगा, एंड सी दिस होल बिकॉज ऑफ द एक्स क्यूब डिनोमिनेटर पोर्शन इवन पोर्शन है, बिकॉज यहाँ पे अगर सपोज एफ माइनस एक्स लिखेंगे तो ये ऑलरेडी मॉड एक्स दे रहा है, मॉड एक्स दे रहा है, तो इस वजह से ये सेम आएगा और आपको डिनोमिनेटर पोर्शन सेम मिलने वाला है, एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यूमरेटर पोर्शन द होल फंक्शन बिकम्स द ऑड फंक्शन एंड इट मेक्स द वैल्यू जीरो। तो देखिए ये वाली वैल्यू खत्म हो गई, इसका वैल्यू जीरो हो गया, फिर हम खाली इस पे आ जाएंगे, और ये पोर्शन भी आपका इवन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में ये इवन पार्ट है, इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये ऑलरेडी मॉड एक्स दे रहा है, तो आपको वैल्यू सेम ही देगा, पॉजिटिव ही लिखनी होगी दोनों तरफ, ठीक है। सो दिस इज टू माइनस कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस पाई बाय थ्री इज ए इवन फंक्शन, यू कैन डबल द वैल्यू, सो टू टाइम्स ऑफ जीरो टू पाई बाय थ्री लिखेंगे, जीरो टू पाई बाय थ्री लिखेंगे, दिस इज पाई, राइट, टू माइनस कॉस, एंड सी वन थिंग, जब उसको इंटीग्रेट कराना है जीरो से पाई बाय थ्री, और जीरो टू पाई बाय थ्री जो एंगल यूज करेगा तो उसमें जो कॉस में यहाँ जो मॉड एक्स है, बिकॉज इट इज एट द पॉजिटिव साइड, सो पॉजिटिव साइड में व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो में इंटीग्रेट करवा रहा है, सो यू हैव टू टेक द मॉड एक्स एज अ एक्स, तो उस जगह पे आप इसको लिखेंगे एक्स, एक्स प्लस पाई बाय थ्री हो जाएगा, दिस इज लाइक दिस, दिस इज डी एक्स,
and this can be written as 2 times of 0 to pi by 3 cos of, इसको आप लिखेंगे pi, 2 pi you can take out the outside, 2 pi dx upon 2 minus cos of x plus pi by 3, right? इसके बाद में आप एक काम करेंगे, x plus pi by 3 को, हम चाहते हैं कि इस फंक्शन को, पर्टिकुलर फंक्शन को थोड़ा इजी करेंगे, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर x plus pi by 3 वैल्यू है, अगर इसको इसको लेट कर लिया जाए, इजी करने के हिसाब से ये सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं कि x plus pi by 3 को, सपोज इफ यू टेक द t, देन dx becomes dt. देखिए इसके बाद में इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट में भी सेम सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. लोअर लिमिट ऐसा हो जाएगी, व्हेन यू पुट द x equals to 0, सो दिस इज t equals to pi by 3. अपर लिमिट इसमें हो जाएगी x की वैल्यू, पाई बाय 3 पुट करेंगे, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, सो t इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3. तो देखिए इंटीग्रेंड इस तरह से आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू फ्रॉम लोअर लिमिट पाई बाय 3, 2 पाई ऑलरेडी आउटसाइड में है, दिस इज फ्रॉम पाई बाय 3 टू 2 पाई बाय 3, एंड दिस इज dt, dx बिकम्स dt, एंड this is 2 minus cos of t and again, अब देखिए same ये वही position है जहाँ single आप देखते थे sin x और cos x इस तरह की value रहती थी और उसको हमें integrate करना होता था. ये particular format वो है dx upon a sin x plus b cos x, या जिसमें हम sin x को लिखते थे 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, और cos x को लिखते थे 1 minus tan square x by 2, 1 plus tan square x by 2, and then you have to take the tan x by 2 equals to t. So, यहाँ पे cos t को convert कर देंगे, this is 2 pi, pi by 3 to 2 pi by 3 and dt. इसको direct हम convert करते हैं cos t को, 1 minus tan square t by 2, 1 plus tan square t by 2, और ये jump लेके ऊपर आएगा, that value will be equals to sec square t by 2 dt divided by or 1 plus 2 plus 2 tan square t by 2 होगा, LCM इसमें होगा 1 plus tan square t by 2, so 2 plus 2 tan square t by 2 and minus of 1 minus tan square t by 2. इस value को और simplify करेंगे, this is 2 pi, pi by 3 to 2 pi by 3, this is sec square t by 2 dt divided by 2 minus 1, ये positive 1 देगा, plus, plus का 2 और plus 1, plus 3 tan square t by 2. अब इसमें second substitution करना पड़ेगा एक बार और, यहाँ पे फिर आप ले लेते हो, let tan t by 2 equals to some theta, so that gives you the sec square t by 2 और t by 2 का 1 by 2 dt equals to t theta. और यू कैन राइट द sec square t by 2 dt equals to 2 d theta and again change in limits also. देखिए वापस चेंज करेंगे लिमिट्स में, लोअर लिमिट इसमें हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी equals to, मैंने पुट द t equals to, दिस इज pi by 6, t की वैल्यू pi by 3 प्लेस करेंगे. नाउ दीज आर द वैल्यूज ऑफ t. देखिए ये इनिशियली मैंने बताया था आपको कि अगर जो भी रहेगा ऑल द फोर वेरिएबल्स विल बी सेम, सो दीज आर द टी वैल्यूज, और यहाँ जब आप प्लेस करते हैं पाई बाय 3 जो कि 60 है, 60, सो दिस बिकम्स द थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, सो पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट गिव द टेन 30 डिग्री वैल्यू, सो 1/√3, राइट. अपर लिमिट वैल्यू हो जाएगी इसमें, व्हेन यू पुट दिस वैल्यू तो पाई बाय 3 होगा, थीटा इक्वल्स टू 10 पाई बाय 3 एंड दैट इज √3. तो देखिए लिमिट्स में फिर चेंज आ गया और उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, दैट वैल्यू इक्वल्स टू 2 पाई और लिमिट को आप लिखोगे 1/√3, 1/√3 से √3, sec स्क्वायर t बाय 2 इज कन्वर्टेड इनटू 2 d थीटा डिवाइडेड बाय, दिस इज 10 स्क्वायर, सॉरी यहां 10 स्क्वायर आएगा, this is 3t square plus 1,
Now you can take out the 3 outside. This is 2 pi by 3 और ये वैल्यू देगा 1 by root 3 से root 3 and 2 d theta divided by theta. This is theta. So 3 outside will give the theta square plus 1 by 3. Right. Now just place the values. तो ये वैल्यू बनती है हमारी 2 pi by 3 and this is 1 by root 3. You can write the 1 upon root 3 whole square. तो जो tan inverse theta square a square plus theta square में 1 by a आता है, ठीक है? 1 by a means ये देगा आपको value root 3 and you can write the tan inverse theta upon 1 by root 3. So you can write the root 3 theta, right? और इसमें लिमिट प्लेस कर देंगे 1 by root 3 से लेके root 3 तक. This is complete. So 2 is outside. 2 4 pi देगा यहाँ पे. This will be equals to 4 pi. This 2 comes outside 4 pi and by 3 is also there. Root 3 हमने इसको integrate किया, उसकी value प्लेस की. Now just we are putting the values, upper limit and lower limit. देखिए इसके बाद में यहां जो पोजीशन है, this is equals to 4 by 4 pi by root 3 and just place the limits. ये देगा आपको tan inverse of 3. This is equals to tan inverse of 3 root 3. This is root 3 into root 3 tan inverse of 3 minus tan inverse of 1. अब देखिए इसको फिर वापस सॉल्व करना पड़ेगा. यहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लग रहा है एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई बाय रूट 3 एंड tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b. सो दैट विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस 1 1 प्लस 3 इनटू 1. सो दिस इज द फार्मूला 4 पाई बाय रूट 3 tan इनवर्स ऑफ दिस इज 2 बाय 4. सो दैट कैन बी रिटन एज 4 पाई बाय रूट 3 and tan inverse of 1 by 2. तो इसका देखिए ये एक subjective question पूछा गया था IIT 2004 में और इसका total answer इस तरह से आपको तब एक particular pattern था when the two questions are asked subjective and you have to find out the proper answer. 2004 में IIT 2004 में इस तरह के questions पूछे गए थे. तो this is 4 pi by root 3 tan inverse half. इसके बाद next लेते हैं.